वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलोह में बुधवार को हुए वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुंडवा दे पजी गए गोडे कुड़ियादर राज आ गया पर छात्राओं ने खूब वाहवाही बटोरी। पाठशाला के प्रधानाचार्य गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकुमार गौतम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति प्रज्वलन के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि पाठशाला ईंट पत्थरों का मकान न होकर एक मंदिर व संस्कार शाला का रूप है जिसमें अध्यापक अभिभावक व छात्र छात्राओं की विशेष भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि नशा नाश करता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। उन्होंने कहा कि नकल व्यक्ति को अपाहिज करता है। नकलची व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पिछड़ कर रह जाता है। उन्होंने कहा शिक्षा मात्र अंक लेने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने प्रतिभागी बच्चों व साल भर में अव्वल रहे बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने पाठशाला के लिए अपनी ओर से 11,000 की राशि दी। इसके साथ ही तमन्ना और सहेलियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्रवासी छात्र सत्यम ने भोजपुरी गाने पर नृत्य कर खूब तालियां बटोरी। साहिल एवं मित्र प्रांजल एवं सहेलियां व मनीषा और सहेलियों ने पंजाबी गानों पर नृत्य किया। दीपाक्षी एवं सहेलियों व काजल एवं सहेलियों ने हरियाणवी गानों पर नृत्य किया। स्नेहलता आरती व आयुष ने एकल नृत्य किया। नाटी पर काजल एवं सहेलियों ने लोगों को खूब मनोरंजन किया। पंजाबी गिद्दा व पहाड़ी गिद्दा पर दीक्षा एवं सहेलों ने खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर पाठशाला में अव्वल रहे छात्र व छात्राओं कशिश खुशी शुभम यशिका यशपाल कामिनी कैलाश काजल आंचल सहित करीब 3 दर्जन छात्र और छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में SMC के प्रधान राजेश कुमार पंचायत प्रधान संगीता देवी उप प्रधान विवेक पराशर कपिल देव सुरेंद्र कुमार राकेश कुमार संजीव कुमार विमला देवी कुलवंत पटियाल सतीश कुमार लेखराम परमजीत धीमान सदा राम शर्मा डॉक्टर रमेश कुमार उमापति गौतम बलदेव राजी कुमार व हेमराज सहित बच्चों के अभिभावकों ने भाग लिया। R9 भारत के लिए रिपोर्ट बरठी बिलासपुर।